फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme 13 Pro Android 12 फोन में अगर आपके मोबाइल से कॉल करते समय आवाज नहीं जा रही है तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार रीस्टार्ट करना है, ठीक है। अगला काम ये करना है, आपके फोन में फाइल का ऐप है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ना एप्स का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा है ना, इसे टैप करना है। अब इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको एंड्रॉइड सिस्टम, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको स्टोरेज का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। यहाँ पर आपको क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपके कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपके ना मोबाइल फोन में एक छोटा सा माइक होता है, माइक को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है। होता क्या है, माइक में थोड़ी बहुत धूल मट्टी जमा हो जाती है जिसके कारण कॉल करते समय आवाज नहीं जाती है। ध्यान रखिएगा, माइक को हल्के हाथों से साफ करना है, ज्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का ना सॉफ्टवेयर आपको चेक करना है कि वो अपडेट है या नहीं है। इसके लिए पहले फोन का इंटरनेट आपको चालू रखना है, इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है, यहाँ पे सर्च बार में सिस्टम सिक्योरिटी आपको लिखना है। नीचे सिस्टम सिक्योरिटी का ये ऑप्शन शो होता है, इसे टैप करना है। अब देखिए इस पेज में आपको सिक्योरिटी अपडेट पे टैप करना है। अब आपको ना इस वाले पेज पे कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल अगर यहाँ पे लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए अगला काम ये करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का सेटिंग पेज ओपन करिए, इसमें सबसे ऊपर सर्च बार पे टैप करना है। यहाँ पे सर्च बार और रीसेट आपको लिखना है। आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला इरेज ऑल डेटा, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको इरेज ऑल डेटा पे दोबारा टैप करेंगे तो इससे आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन जो डेटा है उसका बैकअप ले लीजिए अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपके फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना।